नमस्कार दोस्तों, मार्केट एक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाटा पावर की बात करेंगे, 489 रुपये पर शेयर है। देन यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट ऑलरेडी हमको दे चुका है। अगर हम इसे अलग जगह से बात करें कि शेयर का प्राइस लगभग 480 प्लस चला गया था, जहाँ पे हमने कोशिश की थी शेयर को नीचे के लेवल पे बाइंग करने की, लेकिन वो नीचे लेवल नहीं मिल पाए थे। लेकिन 4 जून के आसपास अगर जिसने भी बाइंग किया था उसके आज काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में, क्योंकि शेयर का प्राइस लगभग 400 से भी नीचे चला गया था। और ये देखा जाए तो अच्छी पॉजिटिविटी है कि हम मार्केट का गिरना भी ज़रूरी था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गिरा, जिससे काफ़ी लोगों ने सेल भी जल्दी कर दिया होगा। मैं कहूँगा कि अभी मौका है कि ये शेयर को बाइंग करके रखें। 464 के ऑलरेडी एक हाई बना चुका है। हालांकि मैंने जो कहा था कि 480 के लेवल, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कॉल इंडिया याद आ गया था। मैं कहूँगा कि ये शेयर का प्राइस में लगभग 460 के आसपास भी हम ले जा चुके हैं। सो एक बेस्ट लेवल हो सकता है कि हम इस शेयर को वापस से बाइंग करें। तो एक लेवल है जहाँ पे मैंने इसको आजकल मैं सेल किया था, तो वो मैंने 440 के आसपास शेयर किया था, लेकिन अभी ये 9 रुपये पर शेयर और ज़्यादा बढ़ गया। मैं कहूँगा कि एक लेवल बना के चलें जहाँ पे शेयर का प्राइस अच्छे खासे लेवल पे हो और हमें अच्छा प्रॉफिट हो। पहले तो जान लेते हैं इसके फंडामेंटल क्या कहते हैं। अभी मार्केट कैप के अगर आप देखें, 1,43,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक साल के अंदर लगभग 100% के रिटर्न भी दिए हैं। लार्ज कैप में कंपनी आती है, पावर सेक्टर में आती है। देन यहाँ पे शॉर्ट टर्म में और पॉजिटिविटी है, लॉन्ग टर्म में भी एक नेचुरलिटी बनी हुई कि आप इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। फंडामेंटली देखें, जहाँ पे फुल्ली फंडामेंटली जहाँ पे सभी और व्यू बात करते हैं, तो क्वार्टरली एवरेज है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। फाइनेंशियल ट्रेड देखा जाए तो एक फ्लैट देखने को मिलती है, जो कि नॉर्मली ऐसा बिहेव करती है और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पी रेशियो 41 पॉइंट के साथ है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। डिविडेंड यहाँ पे कंपनी नहीं देती है, लेकिन डिविडेंड वाली कंपनी हमें बाइंग करनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है डिविडेंड वाले शेयर के लिए, क्योंकि हमारे लॉस को रिकवर करने में काम आता है। लेकिन अगर टाटा पावर ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं, 200 से ये शेयर का प्राइस लगभग डबल हो चुका है, जो कि हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिविटी है। 46% का यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग है, FIIs म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी DIIs, इनका भरोसा ही हमारे इस शेयर को बाइंग करने की प्रेरणा देता है। सो आप इसको देख के भी अपने लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। 27% की ऑलरेडी पब्लिक में होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मार्च क्वार्टर 4 के अंतर के हिसाब से 42 के लेवल के हिसाब से यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें हम तो यहाँ पे एक लेवल बनता है जहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल आपके लिए थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए वेटिंग वाला रहेगा, क्योंकि पेशेंस आप मार्केट में जितना रखेंगे आपके लिए प्रॉफिट की उम्मीद ज़्यादा रहती है। जैसा कि मैंने कहा था कि ऑलरेडी 4 जून को ये शेयर थी 400 से नीचे चला गया था, जहाँ पे 460 के लेवल पे एक ही दिन में लगभग 60 रुपये पर शेयर इतना गिरना बहुत बड़ी बात है। और 410 के लेवरेज के लिए आप शेयर को बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी वो एवरेज नहीं मिलने वाला है। 430 रुपये का लेवल एक बेस्ट लेवल हो सकता है, जहाँ पे आप शेयर को बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि ऐसे शेयर में पकड़ बनाने के लिए आपको पेशेंस जितना रखेंगे उतना बहुत ज़रूरी है। और मैं कुछ शेयर होल्डर यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये कंपनी का कोई ऐड नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे ओनली अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि मैं किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ, आप अपने स्तर पे कर सकते हैं। धन्यवाद।